नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो, या कहूँ आने वाली बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि आई जस्ट लॉस्ट माई फादर, दैट्स वाई आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़ सिंस 2 मंथ्स। 2 महीने से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, और अब आप लोगों की मुझे दोबारा से सपोर्ट भी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 4, 5, 6 मौजूद नहीं होता, और 4, 5, 6 एक ऐसा नंबर है लूशो ग्रिड में, या कहूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मनी के लिए। अगर आपके पास राहु मिसिंग है तो आप तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होंगे, और क्योंकि ये आपको प्रेरित भी करता है, हार्डवर्क भी आपके लिए लेकर आता है कहीं ना कहीं। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है। अगर 5 नंबर आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास हो सकता है कि पैसे हों, लेकिन उस पैसे को आप संभाल कर नहीं रख पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। 6 नंबर यानी कि वीनस यानी शुक्र का नंबर, जो कि लग्जरी का नंबर है। अगर मान लीजिए 4 और 5 आपके पास है और 6 आपके पास मिसिंग है, तो ऐसे पैसे का एंजॉयमेंट आप नहीं कर पाएंगे, और आपका पैसा आपके पास रखा रहेगा, मतलब आप इन्वेस्ट करते रहेंगे लेकिन उसको ज़िंदगी भर खर्च नहीं करेंगे। हो सकता है कि लोग आपको कंजूस की उपाधि भी आपको दे दें। वहीं अगर आपके पास 5 और 6 है, तो हो सकता है कि आपको सही दिशा नहीं मिले, आप का जो पैसा है वो गलत दिशाओं में भी आपका जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, वैसे वैसे हमारे को ये चीज़ भी समझ में आती है कि हमें कहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। तो 4, 5, 6 लूशो ग्रिड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस वेट रहते हैं, और अभी कुछ समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के एनालिसिस पेंडिंग में हैं पिछले 2 महीने से। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, धीरे धीरे मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पिताजी की डेथ हो गई है, इस वजह से जो है मैं काम नहीं कर पाया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। तो आज एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके पास 4, 5 और 6 आपका मिसिंग है, तो किस तरह से आप इसे क्योर कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है जिनको मैंने ये रेमेडी दी थी, और काफ़ी उनको फ़ायदा भी हुआ उस चीज़ से। 9 2 प्लस हमारा 7 और 2 9 और 10 19 का 1, तो ये हमारा टोटल हुआ 9 2 11 और 1 12, तो 3 9 और 3 का ये कॉम्बिनेशन 18 2 1972। तो ये इनके पास अगर हम की लूशो ग्रिड को भरें तो फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 हमारा यहाँ आ जाएंगे, 2 उसके बाद 1 1 है, 1 9 है, 1 7 है, और हमारे पास यहाँ पर 3 है, और हमारे पास 9 डबल में है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 और 5 6 यहाँ पर जो है वो मिसिंग कैटेगरी में आता है। अगर इनकी लूशो ग्रिड से हम एनालिसिस करें तो ये व्यक्ति काफ़ी हद तक एनर्जेटिक है, काफ़ी क्रिएटिव है, साथ साथ सेंसिटिव है और अपनी गलतियों से सीखते हैं। 3 नंबर ज्ञानवर्धक हैं। 8 नंबर यानी कि जो प्रॉपर्टी के प्रति इनकी लगाव है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। 5 यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बन सकती है, लैंड पे बन सकती है, लेकिन छोटी प्रॉपर्टी बनने के चांसेस हैं। टॉक एक्टिव है, अपनी डबल वन की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव और टॉक एक्टिव है, अपनी बातों को खुद ही बता देते हैं, जिस वजह से कई बार ये प्रॉब्लम में भी आते हैं। 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। अगर आप सारे जुगाड़ करने के बाद, जैसे कि आपका पेनाकल नंबर, आपके कार्मिक नंबर्स, आपका नेम नंबर्स, सारे नंबर्स आपने लगा लिए, उसके बाद भी आपको ये चीज़ नहीं मिली कि 4, 5, 6 आप नहीं लेकर आ पाए, और 4, 5, 6 आपके पास सिर्फ आपको मिले तो वो टेम्परेरी मिले ईयर नंबर्स के रूप में, उसका जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी रहा, और ये जो पर्सन है इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इनकी मनी जो है वो सेव नहीं हो रही थी, ये पैसा कमा रहे थे लेकिन पैसा इनको हैंड टू माउथ वाली जो स्थिति थी वो इनके साथ चल रही थी। तो इस केस में मैंने इनको रेमेडी दी कि आप एक मोबाइल नंबर लीजिए, उस मोबाइल नंबर में 4, 5, 6 आप रखिए, 8 आपके पास है, ये 3 नंबर अगर आप मोबाइल में अपने लेकर आते हैं
और उस मोबाइल फ़ोन को आप अपने वर्किंग प्लेस में या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा बहुत जल्दी ही उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप में से कई सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि कल मैं कमेंट पढ़ रहा था कि हमने नाम चेंज किया था, हमें नाम का इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। देखिए, न्यूमरोलॉजी कराइए चाहे एस्ट्रोलॉजी कराइए, सभी चीज़ों में समय लगता है, आपको एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। अगर आपने आज नाम चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है साल भर 1.5 साल के बाद आपको देखने को मिले। एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती, चमत्कार नहीं होते, इट विल टेक सम टाइम। ये मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ और जो समझदार मेरे क्लाइंट्स हैं वो इन चीज़ों को समझते भी हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 4, 5, 6 की, तो ये एक राजयोग बनाता है। और अगर आपके पास ये नंबर्स की वाइब्रेशंस किसी भी तरह से आपको नहीं मिल पा रही हैं, सारे नंबर्स आपने लगा के देख लिए हैं, सारी कैलकुलेशंस आपने करके देख ली हैं, इन दैट केस इसको परमानेंट अपने पास रखने के लिए आप मोबाइल फ़ोन का नंबर का सहारा यहाँ पर ले सकते हैं। आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिसमें 4 भी आता हो, उसमें 5 भी आता हो, वो फॉर्मेशन कहीं पर भी हो, नंबर में कहीं पर भी वो फॉर्मेशन हो, दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम उसका नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर मान लीजिए 9 के साथ लगा हुआ है, 5 जो है वो 8 के साथ लगा हुआ है, दैट इज़ ओके। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मनी के लिए बता रहा हूँ आज, कि जब भी आप ये एक नंबर चूज़ करते हैं तो 1, 3, 5 में उनको रखिए। मतलब जो नंबर्स आपके होने चाहिए उनका टोटल जो होना चाहिए वो 1, 5, 3 के आसपास होना चाहिए बिजनेस के लिए और मनी के लिए। अगर आप ये नंबर्स में रखते हैं तो ये फ़ायदेमंद आपको रहेंगे। हद से आप 6 तक जा सकते हैं, 6 नंबर भी आपके लिए अच्छा रहता है। हालांकि ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको 1 रखना चाहिए, कब आपको 5 रखना चाहिए, कब आपको 6 रखना चाहिए, कब आपको 3 रखना चाहिए। मोटे मोटे तौर से 1 रिप्रेजेंटिंग सन, 5 रिप्रेजेंटिंग बुध नंबर एंड 3 जुपिटर, और आपका जो रिमेनिंग नंबर है वो भी बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर आपके लिए रहता है। 6 नंबर जो हमारा रहता है वो हमारा वीनस का नंबर रहता है। अगर आप मेरी पूरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ये पता लगी क्या होगा कि मैं किस ओर इंगित यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप कमेंट करिएगा अपनी भी डेट ऑफ बर्थ, और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि 4, 5, 6 आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो 5 नंबर को कहीं ना कहीं आप अपने पास लेकर आएँ, किसी भी तरह से उसको अपने पास रखें। इसी तरह से अपने मकान नंबर को भी आप चूज़ कर सकते हैं। और जब 4, 5, 6 और 8 आपके पास आ जाता है, जैसे अब मैं इनको अगर इनकी चीज़ों को देखूं, वाइब्रेशंस की यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर इनके प्रॉपर्टी के योग भी बन जाते हैं, साथ साथ मनी का ठहराव इनके जीवन में आ जाता है। और इनके साथ एग्जैक्टली ये हुआ कि मैंने इनको 2 साल पहले बोला था कि सर आप ये मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए और 4, 5, 6 अपने में ले आइए। आज भगवान की दया से गाड़ी भी है उनके पास, और उनके पास अपना एक 60-65 गज का एक अच्छा मकान भी उनके पास एक बड़ी सिटी में है। तो ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, आप इससे फ़ायदा उठाइए और सीखिए और कमेंट करिएगा। नेक्स्ट में हो सकता है कि मैं आप ही का सिलेक्शन किसी चीज़ में कर लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।